हत्या से ठीक 15 दिन पहले साहिल ने रची थी हत्या की साजिश, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ साक्षी का मर्डर किया गया। साक्षी की हत्या में इस्तेमाल चाकू 15 दिन पहले ही खरीदा था साहिल ने। वीकली मार्केट से साहिल के चाकू खरीदने का शक है। अब तक हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद नहीं हुआ है। बीती रात पुलिस की टीम ने रिठाला के मैदान में चाकू ढूंढा, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी तक चाकू बरामद नहीं हो सका है। पुलिस टीम दोबारा जाएगी चाकू रिकवर करने। अभिजीत हमारे सहयोगी हमारे से जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। अभिजीत, अभी भी बहुत सारे पेच इस पूरे हत्याकांड के मामले में फंस रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोपी जो है वो पकड़ा गया, साहिल पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि उसने ही मर्डर किया। अभी तक की पूछताछ में जो पूरी जांच हो रही है उसमें क्या कुछ पता चला है? क्या और भी लोग शामिल हो सकते हैं इस मर्डर की प्लानिंग के पीछे? जी बिल्कुल, साहिल के पकड़े जाने के बाद तमाम तथ्य सामने आने लगे हैं और पुलिस तमाम एंगल से इसकी जांच कर रही है। साहिल ने कबूल भी लिया है कि उसने हत्या की, लेकिन सवाल कई इसमें पैदा होते हैं क्योंकि साहिल ने योजनाबद्ध तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया। और इस वक्त मैं मौकाए वारदात पर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम लोगों का आना जाना लगातार जारी है। पुलिस लगातार लोगों से बातचीत कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर हत्या को अंजाम दिया था साहिल ने और यहीं पर साक्षी के मर्डर को उसने अंजाम दिया था। तमाम एंगल से जांच करने के बाद, लोगों से पूछताछ करने के बाद कई सवाल ऐसे पैदा होते हैं कि क्या इस हत्या की योजना बहुत पहले बना ली थी उसने और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह की भी बातें सामने आ रही कि जिस वक्त साहिल इस जगह पर हत्या को अंजाम दे रहा था उसके साथ एक और शख्स भी मौजूद था। इस एंगल से भी जांच लगातार चल रही है और तमाम तरह की बातें जो है वो लगातार नई नई तरह की बातें आई, कई तरह के थ्योरीज आई। पुलिस ने भी कहा कि हम हर एंगल से जांच करेंगे, कोई भी एंगल हम छोड़ेंगे नहीं। जरा पुलिस की जांच की दिशा को भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ था एक्स डीजीपी अरविंद जैन सर जुड़े हुए। अरविंद सर, वीडियो आपने देखा ही होगा और अब ये बात सामने आ रही है, कोई कह रहा है कि हाथ में कलावा बांधता था, रुद्राक्ष था, कई लड़कियों से वो दोस्ती में था, रिलेशंस में था, फिर इस लड़की की हत्या की जाती है, बड़ी प्लानिंग से वो दिल्ली से निकलता भी है, भागता है, छुपता है। इन सारे डॉट्स को जोड़कर आप इस केस को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें कई एंगल्स निकल के आ सकते हैं। इसमें जो लव जिहाद की थ्योरी है उससे भी मैं असहमत नहीं हूँ, ये इसकी बहुत बहुत संभावना है। दूसरा, ये जो कलावा पहने हैं और रुद्राक्ष की माला पहने हैं, ये इस प्रकार की अक्सर हरकतें मुस्लिम लड़कों के द्वारा की गई हैं, देखी गई हैं। सर, एक फैक्ट और था कि साक्षी की सहेली ने ये बोला है कि नाम बदला उसने, पहचान छुपाई थी दोस्ती करते हैं। वो नाम छुपा के दोस्ती करते हैं और जब थोड़ा सा करीब आ जाते हैं और जब निकाह विकाह की बात होती है तब ये सब बातें धीरे धीरे खुलती हैं, या निकाह के बाद खुलती हैं, तब पता चलता है कि ये तो मुस्लिम है। ये इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं यूपी में हुई हैं। यूपी में जब से लेजिस्लेशन बना है इसके ऊपर काफी रोक लगी है। देखिए, ये जो घटना है, ये मैं कुछ बातें अवश्य कहना चाहूंगा। लोग पुलिस को ब्लेम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ब्लेम करते हैं, पर हमको इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए कि कितनी तेजी से एक समाज में चारित्रिक पतन जो है वो यंग एज पे लड़के लड़कियों का हो रहा है और इस प्रकार की रिलेशनशिप्स चल रही हैं कि वो उसने उसको छोड़ा, उसने उसके साथ दोस्ती की। पर इसमें यह है कि पुलिस इसमें बहुत तत्परता से केस वर्कआउट किया है और गिरफ्तारी भी की है। इसमें कोई बहुत ज्यादा एविडेंस कलेक्ट करने को नहीं है। चाकू है, चाकू के ऊपर फिंगरप्रिंट्स के निशान है, पत्थर है, ये सब चीजें हैं, इनको कलेक्ट करेंगे। इसमें मेरे ख्याल से बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाएगी, गवाहों के बयान हो जाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे, कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपसे जानने हैं। ये पूरा हत्याकांड बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई, जिसका जो मुख्य गुनाहगार है वो अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सवाल उस समाज पर भी उठना चाहिए, उन लोगों पर भी उठना चाहिए जो इतने अमानवीय हो गए कि सड़क पे से गुजरते रहे लेकिन किसी ने साहिल को रोका नहीं।